सो गाइज, ये स्टेटस है कार्टून एनिमेटेड वीडियोस या फिर स्टोरी रिलेटेड चैनल का। यहाँ पर आप सभी देख सकते हो मंथली अर्निंग 163K डॉलर, वहीं पे ईयरली अर्निंग जो है 2 मिलियन डॉलर। आप सभी इमेजिन भी नहीं कर सकते कि ये 2 मिलियन डॉलर जो है इंडियन करेंसीज में कितने रुपीज होते हैं। इनफैक्ट मैं आप सभी को बताऊंगी, लेकिन यहाँ पर आप सभी सबसे पहले यहाँ पर देख लो कि 30 डेज में इनके चैनल पर 40 मिलियन व्यूज है, और इनके वीकली इंक्रीजिंग सब्सक्राइबर्स की बात की जाए तो 1 लाख से ज्यादा इनके 1 वीक में सब्सक्राइबर्स जो है बढ़ते रहते हैं। अब मैंने जैसा आप सभी को बोला कि आप सभी को मैं बताऊंगी कि 2 मिलियन इंडियन करेंसीज में कितना होता है, तो आप सभी देख लो यहाँ से कि 15,95,43,500 रुपीज जो है 2 मिलियन डॉलर जो आप सभी को मैं बता रही थी, वो इतना होता है इंडियन करेंसी में। तो आप सभी समझ सकते हो कि कितनी ज़्यादा अर्निंग है। अब अगर आप सभी ये सोच रहे होगे कि सोशल ब्लेड का स्टेटस जो है वो गलत है या सही है, तो इसके लिए भी आप सभी को मैं प्रूफ दिखाऊंगी कि इनका चैनल मोनेटाइज है, इनके चैनल पर कितने सब्सक्राइबर्स हैं, ये सारी चीजें मैं आप सभी को दिखाऊंगी। हे एवरीवन, वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल यूट्यूब मंत्रा। आई होप यू ऑल आर डूइंग ग्रेट। आज की इस वीडियो में मैं आप सभी को बताऊंगी कैसे आप सभी अपने स्मार्टफोन की हेल्प से कार्टून एनिमेटेड वीडियोस स्टोरीज आसानी से बना सकते हो, साथ ही साथ कैसे मनी अर्न कर सकते हो। लेकिन इस वीडियो को शुरू करने से पहले बात कर लेंगे वैसे लोगों के बारे में जो लोग ऑनलाइन मनी अर्न करना चाहते हैं, घर बैठे पैसे कमाना चाहते हैं, फाइनेंशियली इंडिपेंडेंट होना चाहते हैं, एज अ फ्रीलांसर काम करना चाहते हैं, या फिर अपनी ड्रीम जॉब पाना चाहते हैं। चाहे वो बिगनर हो, स्टूडेंट हो, पार्ट टाइम वर्कर हो, फुल टाइम वर्कर हो, हाउसवाइफ्स हो, या फिर उनके पास कोई एक्सपीरियंस नहीं हो, उनके लिए डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मैंने एक लिंक ड्रॉप किया है, आप सभी जरूर चेक करना। जैसे ही चेक करोगे देखोगे आप सभी को 5 दिनों का डिजिटल मार्केटिंग का डेमो क्लास बिल्कुल ही फ्री मिल रहा है, और इस फ्री डेमो क्लास के थ्रू आप सभी जान पाओगे कि डिजिटल मार्केटिंग क्या होता है, सोशल मीडिया मार्केटिंग, वेबसाइट्स कैसे बनाते हैं, एफिलिएट मार्केटिंग, ईमेल मार्केटिंग, लिंक्डइन मार्केटिंग, और ऐसे कई सारी चीज़ों के बारे में जान पाओगे जिसके बारे में आप सभी ने सिर्फ सुना होगा, और कैसे आप सभी के जो रास्ते हैं वो आसान हो जाते हैं आपकी ड्रीम जॉब के लिए, फ्रीलांसर का एज अ फ्रीलांसर काम करने के लिए, फाइनेंशियली इंडिपेंडेंट होने के लिए, ऑनलाइन अर्निंग के लिए। तो चलो देर किस बात की, फटाफट अभी के भी अपने आप को रजिस्टर कर लो 5 दिनों के फ्री डिजिटल मार्केटिंग डेमो क्लास के लिए। कैसे रिकॉर्ड करना है, कौन से कैरेक्टर पर काम करना है, कौन सा ऐप सॉफ्टवेयर है जिसके थ्रू आप सभी एनिमेटेड वीडियोज आसानी से बता सकते हो या फिर बना सकते हो और अपने यूट्यूब चैनल पर पब्लिश करके अच्छी खासी मनी अर्न कर सकते हो, वो मैं आप सभी को बताऊंगी। लेकिन काइंडली आप सभी कोई भी स्टेप जो है ना मिस नहीं करना, एल्स आप सभी एंटायर प्रोसेस जो है समझ नहीं पाओगे। लेकिन इस वीडियो को शुरू करने से पहले अभी मैं आप सभी को कुछ एग्जांपल दिखा दूंगी कुछ चैनल के जो अभी अच्छी खासी अर्निंग कर रहे हैं, जिनके चैनल पर अच्छे खासे व्यूज भी हैं। तो चलिए आप सभी को दिखाते हैं। तो अगर आप सभी अपने YouTube पर सर्च करोगे एनिमेटेड स्टोरीज, कार्टून स्टोरीज, तो यहाँ पर 14 आवर्स अगो देख सकते हो 2.7 मिलियन व्यूज है, 18 आवर्स अगो 206K व्यूज है, और इसी तरीके से आप सभी को बहुत सारे व्यूज दिख जाएंगे, 12 मिलियन व्यूज हैं। स्टोरीज की बात की जाए, गरीब के घर AC 3 मंथ्स अगो 12 मिलियन व्यूज है, 1 मंथ अगो 233K व्यूज है। तो इसी तरीके से यहाँ पर आप सभी देख सकते हो कि 6.4 मिलियन व्यूज है 11 मंथ्स अगो, और मैंने जिस चैनल का आप सभी को स्टेटस दिखाया था यहाँ पर आप सभी को एक बार मैं सर्च करके दिखा देती हूँ। तो चैनल है फ्रेम ऑर्डर, और यहाँ पर 6.43 मिलियन सब्सक्राइबर्स है, 424 वीडियोज है। अब चैनल मोनेटाइज है या नहीं ये भी प्रूफ मैं दिखाती हूँ। सो गाइज, ये चैनल बिल्कुल ही मोनेटाइज है, यहाँ पर आप सभी देख सकते हो कि थैंक्स बटन है, और थैंक्स बटन उसी चैनल को मिलता है जो मोनेटाइज होता है। तो आप सभी को यहाँ से मैंने प्रूफ दे दिया है, और आप सभी को इस चैनल के मैंने सब्सक्राइबर व्यूज भी यहाँ पर दिखा दिए हैं। अब बात करेंगे अदर चैनल्स की, तो वो भी एक बार हम लोग देख लेते हैं यहाँ से कि उनके चैनल पर कितने व्यूज हैं, उनका चैनल मोनेटाइज है या नहीं, वो भी मैं आपको दिखाती हूँ। तो यहाँ पर एक चैनल और है, और ये चैनल भी मोनेटाइज है, यहाँ पर आप सभी व्यूज देख सकते हो, और इनके चैनल पर भी सब्सक्राइबर्स जो हैं मिलियंस में हैं, और आप सभी यहाँ से देख सकते हो कि इनका चैनल भी मोनेटाइज है गाइज, और यहाँ पर ये लोग हिंदी स्टोरीज बनाते हैं, और आप सभी भी चाहो तो ऐसी स्टोरीज बना के आसानी से अपने फोन से अपने यूट्यूब चैनल पर पब्लिश कर सकते हो, और मंथली बेसिस पर 65,000 से ज्यादा अर्न कर सकते हो।
सो गाइज यहाँ पे एक चैनल और है, यहाँ पर देख सकते हो 13.7 मिलियन सब्सक्राइबर्स हैं और यहाँ पर एनिमेटेड स्टोरीज वीडियोस आप सभी को दिख जाएंगे। 6.8 मिलियन व्यूज 8 डेज अगो, 7.2 मिलियन व्यूज, 9.1 मिलियन व्यूज। तो आप सभी समझ चुके होंगे कि एनिमेटेड स्टोरीज वीडियोस बनाना कितना आप सभी के लिए फायदे की बात हो सकती है। आप सभी अपने YouTube चैनल पर पब्लिश करके मनी तो अर्न कर सकते हो, साथ ही साथ अपने YouTube चैनल की रीच भी बढ़ा सकते हो। आज आप सभी को मैं बताऊंगी कि कैसे आप सभी अपने स्मार्टफोन के हेल्प से आसानी से ये वीडियोस जो है बना सकते हो। वॉइस ओवर कैसे करना है वो भी मैं आपको बताऊंगी। तो चलो आप सभी को लेकर चलती हूँ अपने फोन की स्क्रीन पर। तो आप सभी को जो सॉफ्टवेयर यानी कि ऐप मैं बताऊंगी ताकि आप सभी अपने स्मार्टफोन से इजीली कार्टून एनिमेटेड वीडियोस बना सको, उससे पहले आप सभी को अपने दिमाग में एक स्टोरी जो है सोच के रखनी है ताकि आप सभी अपनी वीडियो जो है उसके हिसाब से ही बना सको। तो जो ऐप है वो है ट्विन क्राफ्ट। आप सभी को अपने प्ले स्टोर पर जाकर सर्च करना है और इसे यहाँ से डाउनलोड करना है। मैंने ऑलरेडी डाउनलोड कर रखा है तो यहाँ से मैं ईजिली इसे ओपन करूँगी। और आप सभी जैसे ही डाउनलोड करोगे वहाँ पर आप सभी को लैंग्वेज के लिए ऐप लैंग्वेज का सिलेक्शन का आएगा, तो आप सभी वहाँ से इजीली इंग्लिश जो है चूज़ कर सकते हो। उसके बाद डायरेक्ट आप सभी यहाँ से लॉगिन यानी आसानी से ट्विन क्राफ्ट ऐप जो है यूज़ कर सकते हो। तो जैसे ही अब आप सभी ट्विन क्राफ्ट ऐप ओपन करोगे यहाँ से आप सभी को होम, नोटिफिकेशन, क्रिएट वीडियो, कॉम्पिटिशन, प्रोफाइल ये सारे ऑप्शन दिखेंगे। आप सभी ने अगर स्टोरी सोच ली है तो अच्छी बात है, नहीं तो आप सभी चाहो तो YouTube या फिर Google की हेल्प ले सकते हो और वहाँ से स्टोरी जो है सर्च करके अपनी स्टोरी बना सकते हो। अब यहाँ से कैरेक्टर भी आप सभी को कैसे डिज़ाइन करना है वो मैं आपको बताऊँगी। तो सिंपली आप सभी को यहाँ पर क्रिएट वीडियो पर क्लिक करना है। जैसे ही क्लिक करोगे दो ऑप्शन दिखेंगे, पहला वीडियो, दूसरा कॉमिक। तो आप सभी को वीडियो वाले सेक्शन पर क्लिक करना है और क्लिक करने के बाद आप सभी को यहाँ पर कैरेक्टर दिख रहा होगा, टॉम, निकी, टिक, टैक, टोई, भाई, मेंटल, जीटू, ब्लैकमैन, डॉक्टर, रेडमैन। तो आप सभी अपने हिसाब से कोई भी स्टोरी सोच लेना और मैंने अपने हिसाब से अभी जो आप सभी को दिखाना है एग्जाम्पल स्टोरी के लिए वो मैंने सोच रखा है, तो वही स्टोरी मैं आप सभी को दिखाऊंगी। तो यहाँ पर मैं दो कैरेक्टर जो है चूज करूंगी, वो है मेंटल और ब्लैकमैन का। तो मैं दिखाऊंगी ब्लैकमैन और मेंटल के बीच में फाइट होते हुए दिखाऊंगी कि मेंटल एक चोर है जिसके बाद ब्लैकमैन उसे पकड़ता है और मारता है और मेंटल बाद में फिर ब्लैकमैन से माफ़ी मांगता है। ये मेरी आज की स्टोरी होगी जो मैं आप सभी को आसानी से इस प्लेटफॉर्म से क्रिएट करके दिखाऊंगी। आप सभी भी अपने हिसाब से कोई स्टोरी जो है यहाँ से सोच लेना और स्टार्ट कर लेना वीडियो एडिट करना। तो यहाँ से मैं मेंटल और ब्लैकमैन पिक किया और यहाँ से आप सभी भी अपना कैरेक्टर जैसे ही पिक कर लोगे नेक्स्ट पर क्लिक कर सकते हो। और क्लिक करने के बाद यहाँ पर आप सभी को दिख रहा है एग्जाम्पल और ये सारी चीज़ें। तो आप सभी को मैं बता दूँ कि यहाँ पर क्या करना है, आप सभी को स्टोरी जो है हर एक एक फ्रेम में क्रिएट करनी होगी। वो कैसे तो वो भी मैं बताऊंगी। यहाँ पर आप सभी को नेक्स्ट फ्रेम का जो ऑप्शन दिख रहा है ना, तो आप सभी एक फ्रेम में एक स्टोरी फिर अगले फ्रेम में अगली स्टोरी जो है यहाँ से बना सकते हो। तो यहाँ पर फिलहाल हमारा आप सभी को दिख रहा है कि दो कैरेक्टर मैंने जो चूज़ किए थे वो दिख रहे हैं, तो अब इन्हें पहले यहाँ पर फिक्स करेंगे। मुझे फिलहाल थोड़ा डिस्टेंस पे रखना है। और यहाँ से अगर आप सभी चाहो तो बैकग्राउंड भी चेंज कर सकते हो। तो यहाँ पर आप सभी को लेफ्ट हैंड साइड में सेकेंड में ऑप्शन दिख रहा होगा बैकग्राउंड। तो यहाँ पर बहुत सारे जो हैं फ्री बैकग्राउंड्स भी हैं और कुछ जो है परचेज करने के लिए, तो आप सभी उसे कॉइन्स से परचेज कर सकते हो। और यहाँ से फ्री में आप सभी को स्नो, चर्च, बीच, कैफे, इंटीरियर कैफे, ब्लू, ब्लैक बहुत सारे दिख रहा है, ग्रीन, कॉलेज, पिंक। तो आप सभी फ्री वाले भी यूज़ कर सकते हो, एल्स अगर आप सभी को चाहिए प्रीमियम वाले में से कोई यूज़ करना तो आप सभी इसे परचेज कर सकते हो। तो मुझे यही फिलहाल जो डिफ़ॉल्ट में है मुझे वही बैकग्राउंड चाहिए, तो मैं उसे ही यूज़ करूँगी यहाँ से। अब यूज़ करने के बाद इन सब मैंने जैसे बताया है कि मेंटल जो है यहाँ पर चोर है, ब्लैकमैन उसे पकड़ेगा और मारेगा, मेंटल बाद में उसे माफ़ी मांगेगा। तो मुझे सबसे पहले इन लोगों के बीच में लड़ाई होगी तो उनका फेस एक्सप्रेशन जो है वैसा ही बनाना पड़ेगा। तो ऑब्वियसली लड़ाई होगी तो एक्सप्रेशन जो है गुस्से वाला होगा। तो यहाँ से आप सभी को मेंटल पे आपका जो भी कैरेक्टर हो उस पर क्लिक करना है। तो यहाँ पर मैं इस पर क्लिक करूँगी मेंटल पर, और क्लिक करने के बाद आप सभी को यहाँ पर नीचे एक्सप्रेशन दिख जाएगा, एंग्री, हैप्पी, नॉर्मल। तो आप सभी अपने हिसाब से जो भी आपने स्टोरी डिज़ाइन की है अपना एक्सप्रेशन जो है ऐड कर सकते हो। तो यहाँ से मैं एंग्री कर दूंगा। यहाँ से वॉइस सेटिंग भी दिख रहा है, एडजस्ट भी दिख रहा है। अब मुझे क्या करना है कि इसका मैंने एक्सप्रेशन ऐड कर दिया, मुझे ब्लैकमैन का करना है तो ब्लैकमैन का भी मुझे एंग्री करना है, तो यहाँ से एंग्री कर लूँगी। अब क्या करना है कि आगे की स्टोरी जो है मुझे यहाँ से ऐड करनी है। तो ये रहा मेरा फर्स्ट स्ट्रीम। फर्स्ट स्ट्रीम में मैं थोड़ा और यहाँ से हाथ
और ऐसे ड्रैग करोगे तो आप सभी हैंड और लेग्स की मूवमेंट जो है कर सकते हो। और इन्हें मैं थोड़ा क्लोज लेकर आऊँगी। यहाँ से आप सभी ऐसे ऐसे ड्रैग करके और यहाँ से ये मेरा फर्स्ट फ्रेम जो है रेडी है। तो आप सभी को क्या करना है कि फर्स्ट फ्रेम में मैंने यहाँ पर हैंड मूवमेंट्स दिखाएं और यहाँ से आप सभी चाहो तो वॉइस ओवर भी कर सकते हो। ऑब्वियसली आप स्टोरी बना रहे हो तो वॉइस ओवर करना होगा, तो यहाँ पर आप सभी को वॉइस ओवर का ऑप्शन दिख रहा है, तो आप सभी को मैं वॉइस ओवर भी करके दिखा देती हूँ कैसे करना। और फाइनल एडिटिंग हमें दूसरे ऐप से करनी है। तो फिलहाल जब मैं वॉइस रिकॉर्ड करूँगी तो यहाँ पर आवाज़ म्यूट होगी, यहाँ पर कोई आवाज़ नहीं आ पाएगी। तो आप सभी को मैं जो फाइनल वॉइस ओवर है वो काइन मास्टर में एक सैम्पल दिखा दूंगी कैसे आप सभी कर सकते हो। तो यहाँ पर आप सभी क्लिक करोगे तो यहाँ पर अलाउ आप सभी को करना होगा वाइल यूजिंग दिस ऐप। रिकॉर्ड हो गई इसी तरीके से और यहाँ से आप सभी चाहो तो ये हमारा जो फर्स्ट फ्रेम है वो रेडी हो चुका है। अब दूसरा फ्रेम जो है हमें रेडी करना है। मैंने बताया था कि इन लोगों के बीच में लड़ाई होगी, तो नेक्स्ट फ्रेम पर यहाँ पर मैं ऐसे क्लिक करूँगी। क्लिक करने के बाद वापस से मैं यहाँ पर थोड़ा मारपीट वाला सीन आगे बढ़ाऊँगी। तो अब यहाँ पर मुझे दिखाना है कि मेंटल जो है मार खा रहा है, तो वहाँ से वापस एक्सप्रेशन पर जाऊँगी और यहाँ से ब्रूस्ड करके जो एक्सप्रेशन है इस पर क्लिक करूँगी, तो ये मार खाता हुआ है। और यहाँ पर वापस से ब्लैक मैन पर जाऊँगी और यहाँ पर ये इसका एक्सप्रेशन ठीक है लेकिन हैंड और लेग से मूवमेंट थोड़े चेंज कर सकते हैं। और यहाँ से मैंने ये चेंज किया और यहाँ से वापस से आप सभी चाहो तो वॉइस ओवर कर सकते हो, लेकिन फाइनल एडिटिंग आप सभी को काइन मास्टर ऐप से करनी है। वहीं पे वॉइस ओवर भी करना है तो वो मैं आपको बता दूंगी। अब यहाँ से इतना मैंने क्लोज कर दिया तो यहाँ से मेरा सेकेंड फ्रेम जो है वो भी रेडी हो चुका है। अब यहाँ से नेक्स्ट फ्रेम करूँगी। नेक्स्ट फ्रेम में अब थोड़ा और मैं दिखाऊंगी और इसे थोड़ा सैड दिखाऊंगी और यहाँ से लेग के जो मूवमेंट है यहाँ से वो भी मैं चेंज करूंगी। एक्सप्रेशन जो है आप सभी मैंने बता दिया चेंज कर लिया। और यहाँ से आप सभी फेस पे ऐसे ड्रैग करोगे ना तो यहाँ से भी एक्सप्रेशन आप सभी ऐसे मूवमेंट कर सकते हो। यहाँ से हाथ मैं इसका थोड़ा डाउन करूँगी और बैटमैन का लेग जो है ये थोड़ा और मूव करूँगी और यहाँ से हाथ भी। ये हमारा थर्ड फ्रेम जो है रेडी हो चुका है। और इसी तरीके से नेक्स्ट फ्रेम एक और डिज़ाइन करूँगी जहाँ पे मैं मेंटल को जो है सैड होता हुआ दिखाऊंगी। अब तो ये मैंने दिखाया यहाँ से क्राई और यहाँ से ब्लैकमैन पे जाएंगे और यहाँ से नॉर्मल दिखाएंगे अब इसको। और यहाँ से हाथ मैं नॉर्मल करूँगी, पैर जो है वो भी नॉर्मल कर दूँगी और इसका हेड भी मैं नॉर्मल कर दूंगी यहाँ से। और यहाँ से इसका हेड थोड़ा झुका हुआ और हाथ भी ऐसे, क्योंकि साइड में ऐसे दिखाना पड़ेगा। तो यहाँ से ये मैं इसको रोता हुआ दिखा रही हूँ। और एक फ्रेम और यहाँ से डिज़ाइन करूँगी मैं जिसमें मैं इसको थोड़ा बेंड बैठा हुआ भी दिखा सकते हैं माफ़ी मांगता हुआ। और यहाँ से हमारा लास्ट फ्रेम जो है रेडी हो चुका है जहाँ पर मैंने मेंटल को बैठा हुआ दिखाया और बैटमैन से वो माफ़ी मांग रहा है। तो आप सभी को क्या करना है कि फाइनली जैसे ही आपकी स्टोरी जो है रेडी हो जाए तो आप सभी को इसे एक्सपोर्ट करना है ताकि आप सभी इसकी फाइनल एडिटिंग कर सको। तो यहाँ पर राइट हैंड साइड में ऊपर में आप सभी को एक्सपोर्ट पर क्लिक करना है। फिर इसके बाद यहाँ पर आप सभी को साइनअप करना होगा, तो कंटिन्यू विद गूगल करके यहाँ पर आप सभी को अपने किसी भी मेल आईडी से, यहाँ पर जो भी आपका मेल आईडी है वहाँ से आप सभी साइनअप कर लेना। साइनअप करने के बाद आप सभी को वाटरमार्क रिमूव करने के लिए यहाँ पर 78 रुपीज़ इंडियन करेंसीज में पे करना होगा। तो आप सभी चाहो तो अगर वाटरमार्क नहीं चाहते हो तो इसे आप इस ऐप को आप सभी परचेज कर सकते हो। और यहाँ से अगर वाटरमार्क आएगा, ऑब्वियसली अगर फ्री वर्जन यूज़ कर रहे हो तो वाटरमार्क आएगा लेकिन बहुत छोटा सा आता है तो वो मैनेजेबल है। यहाँ से एक्सपोर्ट पर क्लिक करेंगे और यहाँ से हमारा जो ट्विटक्राफ्ट का वीडियो है वो डाउनलोड होना स्टार्ट हो गया है। तो यहाँ से सेव टू गैलरी पर मैं क्लिक करूँगी और ये हमारा वीडियो यहाँ से सेव हो चुका है। अब यहाँ से हमें क्या करना है कि यहाँ से बैक जाना है और आप सभी को वापस से प्ले स्टोर पर जाना है और यहाँ पर सर्च करना है काइन मास्टर। और आप सभी को यहाँ से काइन मास्टर ऐप जो है इंस्टॉल करना है। मैंने ऑलरेडी इंस्टॉल कर रखा है तो मैं यहाँ से डायरेक्ट काइन मास्टर पर जाऊँगी और आप सभी को दिखाऊँगी कि यहाँ पर कैसे आप सभी इजिली अपना वीडियो एडिट कर सकते हो।
साथ ही साथ यहाँ से आप सभी वॉइस ओवर भी कर सकते हो। तो यहाँ पर आप सभी को क्रिएट न्यू पर क्लिक करना है, 16:9 का रेशियो लेना है जो कि यूट्यूब के लिए परफेक्ट रेशियो होता है। वीडियो के लिए क्रिएट वाले ऑप्शन पर क्लिक करना है और यहाँ से आप सभी को दिख रहा होगा कि ट्विन क्राफ्ट का यहाँ पर दिख रहा है राइट हैंड साइड में, तो इस वीडियो को यहाँ से हम लोग पिक करेंगे और यहाँ से इसे ट्रांसपोर्ट करेंगे और वेट करेंगे कुछ मिनट या सेकेंड्स। और यहाँ से हमारा वीडियो जो है काइनमास्टर पर आ चुका है। अब इसे हमें क्या करना है, फाइनल एडिट करना है। तो हमने यहाँ पर जो वॉइस किया था उसे यहाँ से सबसे पहले हम लोग डाउन कर लेंगे क्योंकि यहाँ हमें वापस से वॉइस ओवर करना है। तो जहाँ पर ब्लैकमैन बोल रहा है उसके हिसाब से वॉइस ओवर करेंगे, जहाँ पर मेंटल बोल रहा है उसके हिसाब से वॉइस ओवर करेंगे। तो यहाँ से क्या करेंगे, यहाँ तक हमें ब्लैक मैन को बोलता हुआ दिखाना है, तो यहाँ से इसे हम लोग स्प्लिट करेंगे। स्प्लिट करने के बाद ब्लैक मैन वाले सेक्शन पे आएंगे और यहाँ पर हम लोग वॉइस ओवर करना स्टार्ट करेंगे। सबसे पहला वॉइस ओवर, तो यहाँ से वॉइस ओवर करने के लिए आप सभी यहाँ पर रिकॉर्डिंग वाला जो ऑप्शन दिख रहा है इस पर यहाँ से ऐसे क्लिक कर सकते हो व्हाइल यूजिंग दिस ऐप पर। ये हो गया मैं हूँ ब्लैकमैन का और यहाँ से मैं इसका वॉल्यूम जो है वॉइस चेंजर में जाके वॉइस चेंज भी कर सकती हूँ। तो यहाँ से मैं हूँ ब्लैकमैन और यहाँ से हमें क्या करना है कि मेंटल की वॉइस रिकॉर्ड करनी है। तो सबसे पहले यहाँ से इसे प्ले करके देखेंगे। अब यहाँ से स्टॉप करेंगे और वापस इसे स्प्लिट करेंगे। स्प्लिट करने के बाद यहाँ आएंगे और यहाँ पर अब मेंटल को बोलता हुआ दिखाएंगे। तो इस तरीके से आप सभी चाहो तो फनी कर सकते हो और इसकी आवाज़ भी आप सभी फनी बना सकते हो। तो यहाँ से वॉइस चेंजर में जाएंगे और यहाँ से कुछ फनी टाइप की आवाज़ जो है इसमें ऐड कर देंगे। तो इस तरीके से आप सभी भी फनी वॉइस ओवर जो है कर सकते हो और पूरे वीडियो में यूज कर सकते हो। तो आप सभी को वीडियो को इंटरेस्टिंग बनाना है तो ऑब्वियसली या तो उसे फनी या फिर उसकी स्टोरी जो है बहुत इंटरेस्टिंग रखनी होगी, तब यूट्यूब पर आपके ऑडियंस जो आएंगे और इस वीडियो को देखेंगे। तो आप सभी का जैसे ही वीडियो पूरा कंप्लीट हो जाए इस तरीके से आप सभी वॉइस ओवर कर लेना और साथ ही साथ जैसे मैंने आप सभी को बताया कि स्प्लिट कर करके आप अपने कैरेक्टर के हिसाब से एक एक वॉइस ओवर कर सकते हो। उसके बाद आप सभी को फाइनली यहाँ से इस वीडियो को एक्सपोर्ट करना है हाई क्वालिटी में। आप सभी चाहो तो इसे यहाँ से एक्सपोर्ट कर सकते हो, उसके बाद सेव एज वीडियो पर आप सभी को क्लिक कर लेना है। यहाँ से हमारी वीडियो सेव होना स्टार्ट हो गई है। सो गाइज, इस तरीके से आप सभी अपना कार्टून एनिमेटेड स्टोरी आसानी से रेडी कर सकते हो। आई होप गाइस कि आप सभी को ये वीडियो पसंद आया होगा। अगर आप सभी को ये वीडियो पसंद आया तो इसे ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करो। मेरे चैनल पर नए हो तो अभी के अभी सब्सक्राइब भी कर लो, साथ ही बेल आइकन को भी प्रेस करना ताकि आप सभी को यूट्यूब से रिलेटेड सारे नए अपडेट जो है ना टाइम टू टाइम मिलते रहें, साथ ही ऑनलाइन अर्निंग से रिलेटेड सारे मेथड जो है वो भी टाइम टू टाइम मिलते रहें। अब बात कर लेंगे वैसे लोगों के बारे में जो लोग ऑनलाइन मनी अर्न करना चाहते हैं, घर बैठे पैसे कमाना चाहते हैं, फाइनेंशियली इंडिपेंडेंट होना चाहते हैं, एज अ फ्रीलांसर काम करना चाहते हैं, अपनी ड्रीम जॉब पाना चाहते हैं, उनके लिए डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मैंने एक लिंक ड्रॉप किया है, आप सभी जरूर चेक करना। जैसे ही चेक करोगे देखोगे आप सभी को 5 दिनों का डिजिटल मार्केटिंग का डेमो क्लास बिल्कुल ही फ्री मिल रहा है। इस फ्री डेमो क्लास के थ्रू आप सभी जान पाओगे कि डिजिटल मार्केटिंग क्या होता है, कैसे वेबसाइट्स बनाते हैं, होस्टिंग क्या होता है, प्लगइन्स क्या होते हैं, सोशल मीडिया मार्केटिंग और ऐसी कई सारी चीज़ों के बारे में जान पाओगे जिसके बारे में आप सभी ने सिर्फ सुना होगा। इनफैक्ट आप सभी अपनी ड्रीम जॉब पा सकते हो, फाइनेंशियली इंडिपेंडेंट हो सकते हो, एज अ फ्रीलांसर अपना काम स्टार्ट कर सकते हो, ऑनलाइन अर्निंग कर सकते हो। तो इतनी सारी अपॉर्चुनिटी आप सभी को मिल रही है, तो देर किस बात की, फटाफट अभी के अभी अपने आप को रजिस्टर कर लो 5 दिनों के फ्री डिजिटल मार्केटिंग डेमो क्लास के लिए। सो गाइज, थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। मिलते हैं आप सभी से अगले वीडियो में, तब तक के लिए टेक केयर यू ऑल, बाय।